Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Baqarah, ayat number 87 onwards. Auzubillahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad wa aur la lam lazum ka hai. Lam of lazum ka matlab hota hai zarur ba zarur. Indeed. Qad ka matlab hota hai something which has already happened. To jab Allah taala koi cheez kehte hain qad ki ye ho chuki hai, तो इसलिए कहा जाता है, हालांकि वो कोई फ्यूचर की बात हो चाहे, वो इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला के इल्म में टाइम, जैसे हमारे लिए टाइम एंड स्पेस की कैद है, अल्लाह ताला इन स्पेस, टाइम एंड स्पेस के क्रिएटर हैं, ही इज़ नॉट बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस। और मेरे और आपके लिए ये ज़माना लीनियर एक पैसेज है, यू नो, आज 10th है, कल 11th होगी, परसों 12th होगी, मगर अल्लाह ताला के लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब एक ही लम्हा है। This is all happening at one moment because Allah Ta'ala is beyond time and space. तो इसलिए जब अल्लाह ताला क्यामत की भी बात करते हैं तो पास्ट के सीए में बात करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए ये सब चीज़ें अल्लाह के इल्म में होके गुजर चुकी हैं, हमारे लिए ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, क्योंकि मैं और आप टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल करें, लेकिन अल्लाह ताला के लिए ये सब कुछ हो के अल्लाह ताला एग्जैक्टली नो किसने मौत से पहले तौबा करनी है, किसकी ज़िंदगी में किस वक्त उसको दो ऑप्शंस मिलेंगी, उसने उसमें से किस ऑप्शन को चूज़ करें, एवरीथिंग अल्लाह ताला के इल्म है। अल्लाह को पता है कौन जन्नती है, कौन दोजखी है, अभी से, अभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो मेरे और आपके लिए नहीं हुआ, क्योंकि हम लीनियर टाइम में चल रहे हैं, हमारे लिए थिंग्स आर अनफोल्डिंग। तो जब अल्लाह ताला लकद कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि ज़रूर ज़रूर ये काम ऐसा ही है, ये इसमें देर इज़ नो शक, देर इज़ नो डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। वल्लकद और बेशक इंडीड आता है ना, हमने अता की मूसल किताबा, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी कि तौरात, व कफ़ाइना और हमने उनकी कफायत की यानी कि उनकी मदद की या उनको स्ट्रेंथन किया, मिम बाद ही इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत दी, उनको तौरात अता की, फिर उनके बाद उसको मजबूत स्ट्रेंथन कैसे किया, बिर रसूले अपने रसूलों को भेज गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने कितने 70,000 अंबिया भेजे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ तौरात नहीं दे के बस छोड़ दिया बनी इसराइल को, हम वक्त के साथ साथ उनके दीन को स्ट्रेंथन करते रहे, लोगों को बार बार हक की तरफ बुलाते रहे अपने रसूलों के जरिए। वो आता है ना और हमने ही अता किया ईसा ना मरियम, हमने ही ईसा जो के बेटे थे हज़रत बीबी मरियम के, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो बीबी मरियम के बेटे हैं, हमने उनको अता की बैयनात, अल बैयनात, हमने उनको मौजज़े अता किए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान पाक फरमाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर लेते, अल्लाह ताला के हुक्म से आप लेपर्स को, ब्लाइंड्स को अल्लाह के हुक्म से ठीक कर लेते थे। तो ये अल्लाह ताला ने आपको बैयनात के मौजज़े दे के अल्लाह ताला ने आपको भेजा था। वह अय्यद ना हो और अल्लाह ताला ने आपको अय्यद, यद कहते हैं हाथ को, तो अल्लाह ताला हमारे वह अय्यद ना हो, हमने उनको हाथ दिया अपना, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब ये नहीं कि नाउज बिला जैसे हमारे हाथ है, अल्लाह के हाथ भी ऐसे हैं, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है किसी को हाथ देने का मतलब है किसी की हेल्प करना। तरह तरह फरमा रहे हैं कि हमने अपनी मदद दी बे रूहिल कुदस, रूह कुदस के साथ। अब रूह कुदस जो है, आपको पता है कुरान पाक में अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन भी कहते हैं, तो इसलिए ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के फरिश्ते हैं, तो तमाम अंबिया पे वही आप ही लेके आते रहे। अफ़ाकुल्लमा जाअकुम रसूलुम, अफ़ाकुल्लमा, क्या फिर जिस इसके बाद जबकि जाअकुम आए तुम्हारे पास रसूलुन, रसूल बेमा साथ उस चीज़ के, ला तहवा अनफुसुकुम, तो तरफ हमारे हैं कि फिर क्या जब भी रसूल आए तुम्हारे पास वो लेके ला तहवा अनफुसुकुम, जिस चीज़ को तुम्हारी तबीयत मानती नहीं थी, जो तुम्हारे पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग के ख़िलाफ़ बात थी, जो तुम्हारे डिज़ायर्स की नफ़ी करती थी,
हालांकि अल्लाह ताला हलाल किसी चीज की नफी नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाते हैं, जो अल्लाह ने जीनते हलाल की हैं, कौन है जो उनको हराम कर देता है। अल्लाह ताला ने औरत के लिए हर जो जीनत की चीज है, गोल्ड है, फैशन है, हर चीज हलाल की है। सिर्फ उसके ऊपर पाबंदी क्या लगाई कि उसमें हया होनी चाहिए, उसमें एक डिसेंसी होनी चाहिए। फिर अल्लाह फरमाते हैं उसमें रियान और लोगों को दिखाने के लिए आप वो चीजें नहीं अपनाएं, उसमें किसी की तजलील ना हो, आप किसी को जलील करने के लिए अपनी इतनी इमारत शो ऑफ ना करें। तो ये अल्लाह ताला ने हमें डिसेंसी का क्राइटेरिया भी दिया और फिर हम पे चीजें हलाल भी की। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें माल का शौक है तो अपने रब के बताए हुए हलाल तरीकों से तुम चाहे बिलियनियर बन जाओ, जैसे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु थे, और फिर उस पैसे को अपने लिए भी इस्तेमाल करो, गरीबों के लिए भी, दीन की मदद और दीन के क्या से कहते हैं हेल्प के लिए उन चीजों को इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला बड़े घरों से नहीं रोकते, एज लॉन्ग एज कि आप किसी, अगेन वही वाली बात कि आप किसी की हक तलफी ना करें, जुल्म से ना बनाया हो, तो आप किसी को नीचा दिखाने के लिए बड़े बड़े महल ना बनाए। तो अल्लाह ताला ने कोई चीज इंसान के लिए जो है वो हलाल चीजों में भी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत देर यू नो देर इज रूम फॉर यू टू मूव, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाँ पे तुम्हारा नफ्स, अब नफ्स में बुराई पे उकसाता था, यू वांटेड टू ड्रिंक, अल्लाह ने कहा शराब पीना मना है, जुए में लोगों के साथ ज्यादती है, बहुत से लोगों का माल डूब जाता है, ये वो चीजें जो जुल्म के तरीके हैं, जो शैतान के तरीके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये शराब, ये जुआ, ये तुम्हारे अंदर से डिसेंसी खत्म हो जाती है। शराब पी के इंसान को पता नहीं सामने बहन खड़ी है, बेटी खड़ी है, माँ खड़ी है, कौन औरत कौन खड़ी है, इंसान हैवान बन जाते हैं, लोग कितने कितने गलत काम कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला इन चीज़ों पे इंसान को मना करते हैं, और फिर जिनको इन चीज़ों का चस्का है या जिनको ये चीज़ें पसंद है, या अल्लाह माफ़ करे कोई बंदा पोर्नोग्राफी देखता है, उसको एक एडिक्शन है, या कोई इंसान है वो लोगों को अज़ियत दे के खुश होता है, या किसी इंसान को झूठ बोलने की आदत है, अब ये वो चीज़ें हैं जो उसके नफ्स के लिए शैतान ने मुजयन कर दी, उसको अच्छी लगती हैं चीज़ें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल आए उस चीज़ के साथ जो तुम्हारे नफ्स को अच्छी नहीं लगी, जो तुम्हारी अपनी तबीयत के खिलाफ थी, अस तक बर तुम, तो तुमने उससे फौरन तकब्बुर किया। अब ये वही वाली बात है जो इबलीस के साथ हुई। इबलीस की तबीयत को ये बात जहर लगती थी कि जो आने वाला खलीफा है वो मैं नहीं हूँ। उसको ये बात, ये कॉन्सेप्ट उसको समझ ही नहीं आता था कि मैं तो इतनी बड़ी चीज़ थी। वो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझता था, वो अपने आप को बहुत पायस समझता था, हालांकि अल्लाह ताला उसको सिखा रहे हैं कि ये सारी सेल्फ राइटियसनेस है, तुम्हें सिर्फ लग रहा है तुम बहुत नेक हो, असल में तुम हो नहीं। तो जब ये चीज़ आई जो उसके नफ्स पे गरां गुजरती थी, उसकी मैं इसमें हर्ट हो रही थी, तो उसने हजरत आदम को उसी वक्त डिनाई किया और तकब्बुर किया। तो फरमाते हैं तुम सब इंसान ऐसे ही हो जो अल्लाह ताला के बनाए हुए अहकाम को नहीं मानते, तुम में और इबलीस में फिर क्या फ़र्क है। फ़फ़रीकन कज़्ज़बतुम व फ़रीकन तक़्तुलून, क्योंकि बनी इसराइल की सरकत बात हो रही, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने इन नबियों को, क्योंकि वो तुम्हारी तबीयत के खिलाफ बातें थी, तो तुमने उनमें से एक ग्रोह को झुटला दिया, तुमने उनको डिनाई किया कि हम इनको मानते ही नहीं, और उनके एक ग्रोह ऑफ अम्बिया को तुमने कत्ल किया, नाउज़ुबिल्लाह। और बनी इसराइल का ये बहुत बड़ा गुनाह है कि उन्होंने सिर्फ अपने नबियों के साथ ज्यादती नहीं की, उन्होंने अपने अंबिया को कत्ल भी किया, नाउज़ुबिल्लाह। वकालू, और कहते क्या थे, कुलूबुना, हमारे दिलों के ऊपर गोल्फ गलाफ चढ़ा हुआ, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि यार रसूल सल्लम, हमारे दिलों के ऊपर ना ऐसा गलाफ है कि आपकी बातें हम पे असर नहीं करती, नाउज़ुबिल्लाह। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला एक और सूरत में सूरह हामीम सजदा आई थिंक, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आगे से कहते थे कि ये जो आपकी दावत है, ये जो आप हमें हक की तरफ बुलाते हैं, हमारे दिलों के ऊपर ऐसे पर्दे पड़े हुए हैं कि आप हमें बुलाते रहें, हमें आपकी बात समझ नहीं आती, ना हमने आना है आपकी तरफ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बल नहीं, ये बेवकूफ़ है। बल का मतलब नहीं, व्हाट दे आर सेइंग ये बिल्कुल गलत है। असल में बात क्या है, लअनहुमुल्लाह, अल्लाह की लानत है इनके ऊपर। बे वाई बे रीजन है, यूजिंग कुफ्रेम, इनका कुफर की वजह से, इनके कुफर को यूज करते हुए इनके ऊपर अल्लाह की लानत है। यानी कि अल्लाह ने ऐवी नहीं इतनी बड़ी सजा इनको दी, लेकिन ये जो ये कुफर की जो बात है, नबी को ऐसी बात कहना भी कुफर है,
आजकल मैंने आपको पहले भी दफा कहा कि ये जो हम अंबिया की शान में गुस्ताखी कर देते हैं, उनके लिए ऐसे अल्फाज यूज कर लेते हैं जो बाज दफा हम अपने माँ बाप के लिए नहीं इस्तेमाल करते, बड़ी इनफॉर्मल तरीके से अंबिया का, अहले बैत का, अजवाज मोतहरात का, इन बड़ी हस्तियों का नाम ले लेते हैं। आप देखिए यहूदी से क्या कहते थे, हमारा दिल गिलाफ में। अल्लाह कह रहे हैं इनके इस कुफर की वजह से कि इन्होंने मेरे नबी, इतनी बड़ी मैंने हस्ती भेजी है कायनात सारी जिनके सदके में पैदा हुई, वो इनको हक पे बुला रहे हैं, ये तो उनके कदमों की खाक भी नहीं है, और ये मेरे नबी को आगे से ऐसे बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं, ये कुफर है बहुत बड़ा। और अल्लाह ने इस कुफर की वजह से लाना हुमुल्ला, अल्लाह ने इन पे लानत कर दी। अब लानत का लफ्ज जो हम उर्दू में समझते हैं वो नहीं है, लानत का मतलब अरबी में लान का मतलब क्या होता है, आपको पता है अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, ठीक है, अल्लाह की रहमत ने हर चीज को ढांपा हुआ है, कुरान अल्लाह ताला फरमाता है। तो इसी कुरान में मुझे मेरी फेवरेट, वो वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कातब अला नफ्स रहमा, मैंने अपने नफ्स के ऊपर रहमत को फर्ज कर लिया। इतना रहमान रब खुद कह रहा है कि मैंने इन लोगों को लान कर दिया। लान का मतलब है जब अल्लाह अपनी रहमत से किसी को निकाल दे, जब अल्लाह ताला जो कि जिसने सारी कायनात को अपनी रहमत से ढांपा हुआ है, वो अपनी उस रहमत से किसी को निकाल दे, कोई बहुत एक्सट्रीम काम करेगा तो इस मुकाम को पहुंचेगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये जो मेरे नबी का इकराम नहीं करते है, ये जो मेरी आयात को झुटलाने वाले, मेरे नबियों की इज्जत नहीं की, उनकी बारगाह में गुस्ताखी की, उनके साथ मजाक किया, ये सब कुफर है। और इस कुफर की वजह से आखिरत में तो जो मैं इनको अजाब दूंगा वो दूंगा, दुनिया में भी ये अल्लाह की रहमत से दूर हो गए, इनके ऊपर लानत हो गई। फकलीलम्मा युमिनून, बस इनमें से बहुत थोड़े, जब ये रहमत ही इनसे उठ गई, तो अब जब अल्लाह अपनी रहमत से, देखिए रहमत का बहुत बड़ा इंसान के ऊपर पर्दा होता है, अल्लाह की रहमत जब आपको ढांप लेती है तो शैतान आप पे हमला नहीं कर सकता। इंसान के सामने गुनाह होता है, अकेले कमरे में बैठा होता है, इंसान गुनाह कर सकता है, लेकिन उस पर अल्लाह की रहमत जब छाती है तो उसको शर्म आ जाती है, वो कहता है कि नहीं, इस वक्त दुनिया तो नहीं देखी, इस वक्त सिर्फ मेरा रब मुझे देख रहा है, और इस वक्त मैं इस गुनाह पे कादिर हूँ, सिर्फ अल्लाह देख रहा है और कोई नहीं देख रहा, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अल्लाह की रहमत की वजह से उसके अंदर वो हया आ जाती है, उसके अंदर वो तकवा आ जाता है, उसके अंदर वो खशियत आती है कि वो अल्लाह के सामने झुक जाता है, वो अपने नफ्स पे कंट्रोल कर लेता है, और अल्लाह की रहमत उसको वो ताकत और हिम्मत और इस्तकामत दे देती है। दूसरी तरफ एक इंसान से रहमत का पर्दा उठ जाए तो वो फिर वो पागल लोग होते हैं जिनको ऐसे लगता है जैसे शैतान ने उनको हर वक्त छूता रहता है, शैतान उनको जैसे पागल लोग होते हैं कि उनको समझ ही नहीं आती, उनके हाथों से लोगों के सामने वो अपनी तजलील खुद करा रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके ऊपर से वो हफाजती रहमत के पर्दे उठ जाते हैं। जब वो उठ जाते हैं तो शैतान इज फ्री टू अटैक देम, और उनका अपना नफ्स भी उनके ऊपर क्योंकि हावी हो रहा होता है, अल्लाह का रास्ता उन्होंने छोड़ दिया, अल्लाह की रस्सी उन्होंने छोड़ दी है, अब देर ऑन देर ओन, एंड वेन अ पर्सन इज ऑन देर ओन, जब वो हक से कर जाता है, जब वो अपनी रूह का जो है वो आइडेंटिटी को लूज कर देता है, तो फिर ये जिस्म टेक्स ओवर, एंड वेन द जिस्म टेक्स ओवर, सो देर इज नथिंग लेफ्ट बट टू बी इनह्यूमन, टू लिव लाइक एन एनिमल। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसलिए फिर उनमें जब अल्लाह इनके ऊपर लानत करता है, यानी कि इनसे रहमत उठा लेता है, तो फिर बहुत थोड़े इनमें ईमान लाते हैं। वल्लम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, और जब भी इनके पास आई अल्लाह की तरफ से किताब, मुसद्दिक, मुसद्दिक मतलब होता है जो पहली आई हुई किताबों की तस्दीक करे, मुसद्दिक कुल लिमा माअहुम, जब भी इनके पास किताब आई, जैसा जब इंजील आई तो इंजील ने तौरात को इंडोर्स किया, लेकिन यहूदी नहीं मानते थे, जो ईमान लाए उन्होंने अपने आप को कहा कि अच्छा फिर हम हैं तो हम सारे बनी इसराइल, हम अपने आप को अलग कैसे करें, उन्होंने अपना नाम नसरानी रख लिया, क्रिश्चियंस, ठीक, हालांकि सब मुसलमान जो भी हक पे है वो सब मुसलमान है, चाहे वो अपने आप को यहूदी कहता हो, ईसाई कहता हो, मुसलमान, इस्लाम तो सब तीनों किताबों में एक ही है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब भी इनके पास कोई किताब आई जो इनके हाथों में मौजूद किताब ही तस्दीक करने वाली थी, वकानू मिन कबलू यस्तफ्तिहूना अल्लज़ीना काफरू, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब भी इनके पास कोई किताब आई तो इन्होंने नहीं माना, वह कानू हालांकि ये थे ऐसे, मिन कबलू इस किताब के आने से पहले, यस्तफ्तिहूना लिल्लज़ीना कफरू, ये काफरों पर इसी किताब के जरिए फतह चाहते थे। अब यहूदियों का प्रॉब्लम क्या था, मदीना में आके क्यों बसे थे, यहूदी तो रहते थे फलस्तीन में,
मिस्र साइड पे। अब वहां से यहाँ पे आके क्यों बस गए मदीना शरीफ में, क्योंकि आखिरी नबी का इंतजार उनको भी था, और क्योंकि उनमें मैं बहुत ज्यादा थी तो उनका ईमान ये था कि जो आखिरी नबी है वो हम में आएंगे, हम चोजन वन है, हम ही में आएंगे। अल्लाह ताला ने अरबों में बाबर सुपर सल्लम को भेजा, हालांकि ये यहूदी ये भूल गए कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के दोनों बेटे हैं, हजरत इस्माइल भी अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को दिए और हजरत इसहाक भी अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को दिए। एक ही नबी के दो बेटे हैं और दोनों नबी हैं। तो हजरत इसहाक की औलाद, हजरत याकूब अलैहि सलाम की औलाद उसी हजरत इब्राहिम की औलाद हैं जिनकी औलाद हजरत इस्माइल और बाबर सुपर सल्लम हैं, सब एक ही। लेकिन इनके अंदर मैं इतनी ज्यादा थी कि ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सके। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहले ये खुद आके मदीना में क्यों बसे कि जब कुरान आएगा, जब आखिरी नबी आएंगे, तो हम काफरों के ऊपर इस चीज को यूज करेंगे फतह के लिए। यानी कि हम वो लोग हैं, हम ये उनके ऊपर, जैसा मदीना में वैसे भी इंटिमिडेट करते थे ये अरबों को कि तुम लोगों के पास तो कभी कोई आसमानी किताब नहीं है, और हम और रोमन्स तो वो हैं जिनके पास आसमानी किताबें, हमारे पास ऐसे नबी आए हैं जो अल्लाह का हुक्म हम तक पहुंचाते थे, और अरब इनसे इंटिमिडेट होते थे। तो उसी के लिए अल्लाह कहते हैं तुम काफरों पे फतह के लिए ही आए थे यहाँ पे, और जब वो किताब आ गई जो उस चीज की तस्दीक करती है जो तौरात में, इंजील में, फलम्मा जाअहुम मा आरफू काफरू बिही, फा पस लम्मा जिस वक्त जाअहुम आए वो, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक ये दोनों जब आए, माँ आरफू, माँ जिसको आरफू तुम पहचानते थे, यानी कि यहूदी कुरान पाक में अदा फरमाते हैं आपको ऐसे पहचानते हैं जिसको कोई अपने सगे बेटों को पहचानता है। तो अदा फरमाते हैं फिर जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कुरान हकीम आया और ये पहचानते हैं, इनको कोई शक नहीं है कि आप सच्चे हैं और कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, काफरू बिही, तो इन्होंने अपने गुरूर और तकबर की वजह से कुफर किया उनके साथ, फल्लानतुल्लाही अलल काफिन, फा पस लानतुल्लाही, अल्लाह की लानत होगी, अल्लाह ने अपनी रहमत उठा ली अलल काफरीन, इन काफरों के ऊपर से, बेसमश्तरव बिही, बहुत ही बुरी है, अश्तरव ये लेन देन, ट्रेडिंग ये बेचना, अल्लाह ताला मतलब बहुत बुरा है ये बेचना, बिही अनफुसम जिस चीज के लिए इन्होंने अपनी जानों को बेच दिया, अपने अनफुस को बेच दिया, आई यकफरु बिमा अनज़लल्लाहु, और ये क्या है, ये क्या चीज है जी, इनका कुफर क्या है, आई यकफरु कि इन्होंने कुफर किया, बिमा अनज़लल्लाहु साथ उसके जो अल्लाह ने नाजिल किया, बगयन सिर्फ बगावत की वजह से, सिर्फ जल के, सिर्फ हसद की वजह से, आई युनज़्ज़िला और इनको बगावत क्या थी इनके अंदर, गम और गुस्सा किस बात पे था, आई के युनज़्ज़िल अल्लाहु अल्लाह ने नाजिल कर दिया, मिन फजली अपने फजल में से, अल्लाह ऊपर, मई यशा उस हस्ती के जिस पे चाहा, मिन इबादी अपने बंदों में से, यानी कि अल्लाह ताला के अगर इनको ये हुई वाली बात है जो इब्लीस से अल्लाह ताला ने की कि अगर तुम्हें इस बात का दावा है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मैं तुम्हें जिसके सामने मर्जी झुका दूं तुमने झुकना है। यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यार सुपर सलम ये आपको पहचानते हैं, कुरान पाक को पहचानते हैं, इनको पता है आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आखिरी नबी हैं, खातमुल नबीन, कुरान आखिरी किताब है, इनको पता है, मानते क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी पसंद के बंदे के ऊपर नहीं आया, इनमें से किसी इंसान के ऊपर नहीं आया, और अल्लाह जिसको चाहे, ये सिर्फ आपसे इसलिए जलते हैं कि अल्लाह ने जिसको चाहा अल्लाह ने उसको क्यों अपने बंदों में से ये दे दिया, हमारी पसंद का क्यों ख्याल नहीं रखा। फबाउ बस मुस्तहिक हो गए, बेगदबिन अला गजब, गजब के ऊपर गजब, यानी कि दोहरे अजाब के ये मुस्तहिक हो गए, एक तो नाउज़ बिल्लाह कुरान को डिनाई किया, दूसरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिनाई किया, दोहरा अजाब, एक इन्होंने सिर्फ पहचाना और उसको झुटलाया नहीं बल्कि फिर एक्टिवली कुरान और हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फितने क्रिएट किए मक्का मदीना में। तो तरफ हमारे इनके ऊपर गजब दर गजब है, एक तो ये जहन्नम की आग में जलेंगे, ये पहला गजब है, और ये छोटी चीज है, इससे भी बड़ा गजब क्या है कि ये अल्लाह से कट गए, अल्लाह की रहमत इनसे उठ गई है, वलिल काफिरीन अज़ाब मुहीन, बेशक इन काफिरों के लिए बहुत ही रुसवाई वाला, बहुत जिल्लत वाला अज़ाब है। वईज़ा की लालहम आमिनू, और जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ, बिमा अनज़लल्लाहु साथ उसके जो अल्लाह ने नाजिल किया, कालू तो ये कहते हैं नूमिनू बिमा उन्ज़िला अलैना, हम सिर्फ उस पर ईमान लाएंगे जो हमारे पर नाजिल हुआ,
यानी कि यहूदी कहते हैं हम तो सिर्फ तौरात को मानेंगे, ईसाई कहते हैं नहीं नहीं हम सिर्फ इंजील को मानेंगे। वह यकफुरूना बिमा वराहू, और इसके अलावा हर चीज के साथ हम कुफर करेंगे। यहूदी बाइबल और कुरान को नहीं मानते, और जो क्रिश्चियंस हैं वो तौरात और कुरान को नहीं मानते, और मुसलमानों को आपको पता है हुक्म दिया गया है कि हम अगर कुरान पाक को माने और तौरात का इनकार करें तो हम काफिर हो जाते हैं, हम कुरान पाक को माने और बाइबल का इनकार करें तो हम काफिर हो जाते हैं। हमने सब किताबों पर तमाम अम्बिया पर एक जैसा ही मान लाना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो ये कहते हैं हम सिर्फ उस पर ही मान लेंगे जो हमारे पास है, इसके अलावा सब चीज़ों से कुफर करेंगे। वाहो वल हक, वाहो वा हालांकि वो, अब ये वो किसकी तरफ इशारा है, कुरान की तरफ, किताबों की बात हो रही है। अल्लाह ताला हमारे वाहो वा हालांकि ये कुरान, अल हक ये हक है, एक तो अल हक अल्लाह की तरफ, अल्लाह का नाम भी है, अल हक अल्लाह ही की तरफ से, और दूसरा अल हक का मतलब है कि ये बिल्कुल सच्ची किस किताब है, मुसद्दिक लिमा माहुम, और ये तस्दीक करने वाली, तो डिनाई करती नहीं तौरात और इंजील को, ये तो तस्दीक करने वाली है जो इनके हाथों में, ये तो खुद कहती है कि तौरात और इंजील पर ही मान लो। कुल आप सल्लम फरमा दें फालिमा तक तू लूना अम्बिया अल्लाह, फिर तुमने क्यों कत्ल किए अल्लाह के नबी, मिन कबलू इससे पहले, इनको तुम मोमिन, अगर तुम मोमिन थे यानी कि नहीं मानते कुरान को, ठीक है, फिर तुमने तौरात पर ईमान लाने वाले नबियों को क्यों कत्ल किया, तुम नहीं मानते बाइबल को, फिर बाइबल को मानने वाले अल्लाह के बंदों को तुमने क्यों कत्ल किया अगर तुम सच्चे थे। वलकद जाअकुम मूसा, और जिस वक्त आए जाअकुम इनके पास मूसा अलैहि सलाम बिल बय्यिनात, रोशन दलीलें लेके, रोशन अल्लाह की आयात लेके, सुम्मत तखज़्तुमुल इजला, तो इन्होंने उसके फौरन ही बाद उस बछड़े को माबूद बना लिया, मिम बादी उन आयात के बाद, समुंदर इनके सामने फट गए, मन व सलवा इनके ऊपर नाजिल हो रहे हैं, इनके सामने फिरौन जैसी सुपर पावर तबाह हो गई है, और जैसे ही हज़रत मूसा अल्लाह ताला के पास गए कोहे तूर पे, तो इन्होंने उसके पीछे, उनके पीछे बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे वो अंतम जालिमुन, तुम हो ही जालिम लोग, ये तुम जो बातें करते हो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, तुम हो ही एक जालिम कौम। वह इज अखज़ना मीसाकुम, और जब हमने तुमसे वादा लिया था, तुमसे मीसाक लिया था, तुमसे अहद लिया था, वह रफाना, और तुम्हारे ऊपर रिफत दी थी, ऊंचा किया था, फाउका कुमत तूर के पहाड़ को, इनके ऊपर जब इन्होंने डिनाई किया इस अहद को अल्लाह के साथ, जब ये इन्होंने डिनाई किया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और पूरा का पूरा कोहे तूर का जो एक पहाड़ी सिलसिला है वो इनके सरों के ऊपर रखने वाले थे, और अल्लाह ताला ने कहा कि या मान लो या यहीं पर जिंदा कब्रें बना दी जाएंगी। खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्मऊ, और अल्लाह ताला ने उस वक्त इनसे क्या कहा था कि या तो पकड़ लो मा आतैनाकुम जो मैं तुम्हें अता कर रहा हूँ बिकुव्वत कुव्वत के साथ, वस्मऊ और सुनो इसको, यानी कि सुनो किस चीज से सुनो, समेना व आताना, सुनो और उस पर अमल करो। कालू इन्होंने क्या कहा, समेना हम सुन जरूर रहे हैं, वह असाइना लेकिन हम नाफरमानी करेंगे, मानेंगे नहीं। वा उश्रिबू फी कुलूबिहिमुल इजला, वा उश्रिबू और पिघल गई किसी चीज को, जैसा हम कहते हैं ना शरबत में किसी चीज को घोल देना, तो अल्लाह ताला फरमा रहे वा उश्रिबू घोल गई फी कुलूबिहिम इनके दिलों में, इजला पे कुफ्रेम उस इजल की के एक अभी एक गुलाम कौम है, इतनी बड़ी सुपर पावर अल्लाह ताला ने इनके सामने डुबोई है, इनको इज्जत दी, इनके सरों पे बादलों के साए आ गए, मन और सलवा उतर गया, इन बेकदरों की अल्लाह ने इतनी कदर की और इनको इतनी इज्जत दी, तो अल्लाह कह रहे हैं क्या चीज थी जिसकी वजह से इन्होंने एक ना बोलने वाली एक जानवर नुमा चीज की इन्होंने क्यों इतनी इनके दिलों में मोहब्बत एकदम से आ गई, बेकुफ्रेम इनके कुफर की वजह से, क्योंकि इनके दिल में तकब्बुर था, इनके दिल के अंदर मुनाफ़कत थी, इस मुनाफ़कत की वजह से इनकी आंखों के और इनकी अकलों के ऊपर ऐसे पर्दे पड़ गए कि एक जानवर को पूजना शुरू हो गया। और कुरान पाक बार बार हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि जो गुनाह करने वाला दिल होता है उसमें गैरुल्लाह, गुनाह, बुराई, ये शैतान बहुत खूबसूरत बना देता है, क्योंकि उस जिस दिल से अल्लाह का नूर और हफाजत उठ जाए, जिस दिल से अल्लाह की रहमत उठ जाए, तो वहां पे फिर पीछे सिर्फ गंदगी रह जाती है, वहां पे फिर पीछे सिर्फ अंधेरा रह जाता है, और उस अंधेरे में आप जो मर्जी किसी से करा लें, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये तुम्हारे कुफर की वजह से हुआ। जिसमें इंसान में अल्लाह का नूर हो उसको हर नापाक चीज नापाक नजर आती है, लेकिन एक इंसान के अंदर वो हया ही नहीं है,
वो दीन और ईमान ही नहीं है, अल्लाह ताला की कॉन्शियसनेस नहीं है, तो उसको तो बड़े से बड़ा गुनाह आ जाए वेस्ट में। लेकिन कैसे हमारे यहाँ भी, अल्लाह माफ करे, कैसे कैसे गंदे लाइफस्टाइल्स आ गए हैं, कैसे कैसे मुआशरे में ज्यादतियाँ और गुनाह आम हो गए हैं, और हमें बुरे भी नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि आज हमारे दिलों में भी वो नूर उठ चुका है, वो हिफाजत उठ चुकी है, ज्यादा कुफर है, वो जुल्मतें इतनी ज्यादा हैं कि आज बच्चों के रेप हो रहे हैं, आज चाहे वो बच्चे लड़के हों बच्चियां हों, क्या क्या कुछ हो रहा है, लेकिन हम वे लीस्ट बॉदर्ड। कुल आप सल्लल्लाहु फरमा दीजिए, बेसमा कितना बुरा है, या अमूरुकुम बेही ईमानुकुम, तुम्हारा ये ईमान जो तुम्हें इस बुराई पे उकसाता है, यानी कि ये ईमान नहीं है, ये तुम्हारा वर्जन ऑफ ईमान है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो इस पे सोचो तो सही कि ईमान वाला तो ऐसे काम नहीं कर सकता जो तुम आज कर रहे हो। सदक अल्लाह लजीम। चलो मैं कहाँ पढ़ते पढ़ाते समझते समझाते सब्जी को तैयार लड़ते शुरू बख्श दे, माफ़ कर दें कान पा कहे पढ़ना तो हम इंडिया का नाम रसूल तो हमें ले बैठे था रसूल बस तो हम सहाबा उम्मत में जितनी उम्र फौत हो गई शीत होकर जिंदा और क्या माता आएंगे कोई टाइम इस पर समझो तो हमें लाइक कर जालो के बाबर रसूल बस हम की मजबूर गुलाम बेटी की तरह से अपनी बारगाह में कबूल करते हुए हमें सर एक तरह से हथिया बारगाह रसूल बस हमें बता दें قرآن کیم کیا کہ کلمہ کام ہے دار شفاعت خیر و برکت نصرت اللہ اور صوبہ سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مرتبہ نور شاد اور بات سمے جزاکم اللہ خیر